Hello, dear students, welcome to this video session, Today's topic is introduction and acclimatization, matlab anukulan aur purasthapan. So, in this lecture, we will study about introduction. Introduction ya purasthapan kya hota hai? Introduction ko hum parichay bhi kehte hain, kisi ko parichay karana hai. किसी नए व्यक्ति से परिचय कराना. तो पौधों के संबंध में हम किसी नई किस्म या नई जाति के पौधों को किसी नए स्थान से किसी ऐसे स्थान पे लगाना जहां वो पहले नहीं उगता रहा हो, ऐसी प्रक्रिया को हम परिचय या पुनर्स्थापन कहते हैं. इसमें नई वैरायटीज को हम ले सकते हैं या कोई फसल की ऐसी जाति जो पुरानी जंगली उसकी संबंधी रही हो, जाती रही हो, या फिर हम एकदम नए स्पीसीज को ले सकते हैं. यह वस्तुतः एक ब्रीडिंग क्रॉप की मेथड है, मतलब क्रॉप ब्रीडिंग की एक तरीका है. जैसे हम देख सकते हैं ग्रैप कल्टीवेशन हरियाणा में पहले नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में ग्रैप कल्टीवेशन हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया गया. जनरली ग्रैप जो है वो आपके सदर्न भाग में होते हैं, जैसे महाराष्ट्र उसका एक बहुत मुख्य एरिया रहा है और वहाँ पे होता रहा है. उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहाँ पे धान वहाँ की मुख्य फसल है, लेकिन वहाँ पे गेहूँ का परिचय किया गया, गेहूँ का प्रस्थापन किया गया और सक्सेसफुली वहाँ पे अब गेहूँ भी हो रहा है. उसी तरीके से पंजाब जो है वो गेहूँ का क्षेत्र रहा है आज तक हमने पढ़ा है, और वर्तमान स्थिति में वहाँ पे धान भी लगाया जा रहा है. सबसे ज़्यादा धान की जो अच्छी सेंटेड किस्में हैं या कह सकते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी किस्में हैं, जैसे पूसा सुगंध हो गई, पूसा 1121 हो गई, तो इस तरीके की किस्में धान में लगाई जा रही हैं ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके. और सबसे पुरानी जो हम परिचय का एग्जाम्पल देख सकते हैं वो इरी की जो राइस वेराइटीज़ हैं, जितने भी आपने पढ़े होंगे ताइची मिट्टी 1 से IR8, IR26, IR30, IR50, वो सारी जो है ईरी फिलीपीन से इंट्रोड्यूस हैं या फिर पुरास्थापित वेराइटियाँ हैं. कुछ हम इसके इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि मूंग जो है, मस्टर्ड, पियर, एप्पल और वॉलनट सेंट्रल एशिया से आए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे. सिसमम, ज्वार, अरहर, कॉटन और रागी अफ्रीका से आए ट्रेवल के द्वारा. उसी तरीके से कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जैसे बाबर के समय में या पुराने महमूद गजनवी उनके समय में जो कुछ चेरीज आई, ग्रैप्स आए अफगानिस्तान से 13वीं ईस्वी में भारत में. पुर्तगालियों ने भी मक्का, ग्राउंडनट, चिली, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल ये सब लेकर आए. और करंट एग्जांपल आप ईस्ट इंडिया कंपनी का देख सकते हैं, जिन्होंने टी, लीची, लॉकहार्ट चाइना से लाए और कैबेज, कॉलीफ्लावर और दूसरे वेजिटेबल्स को भूमध्य सागर के क्षेत्रों से भारत में लेकर आए. उसी तरीके से महोगनी, अनाटो, इसको वेस्ट इंडीज से भारत पर स्थापित किया गया 18वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई में. उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि क्यों जो बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड का, वहाँ से क्विनीन और रबर के जो पेड़ हैं वो भारत आए साउथ अमेरिका के थ्रू. तो आइए अब यहाँ पे कुछ पादप पुनर्स्थापन के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन पे हम एक डिस्कशन करते हैं. जैसे इस पे बेस्ड ऑन एडाप्टेशन या उनके अनुकूलन के आधार पे ये होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन या प्राथमिक पुनर्स्थापन, दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या द्वितीयक पुनर्स्थापन. उसी तरीके से उपयोग के आधार पे, यूटिलाइजेशन बेस्ड पे तीन प्रकार में बांटा गया है. डायरेक्ट इंट्रोडक्शन मतलब प्रत्यक्ष पुनर्स्थापन, इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन या अप्रत्यक्ष पुनर्स्थापन या एक्सोटिक वैरायटी विदेशी किस्में. तो पहले हम प्राथमिक पुनर्स्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन को देखते हैं. यहाँ पे कोई वैरायटी जो है वेल अडॉप्टेड होती है, न्यू एनवायरनमेंट में रिलीज की जाती है सीधे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए. वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है किसके ओरिजिनल जीनोटाइप में. जैसे ताइचुंग नेटिव 1, IR8, जया, IR20 और 34 को डायरेक्टली जो है ईडी से रिलीज कर दिया गया था. उसी तरीके से सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जांपल हम देखेंगे जहाँ पे जो वैरायटीज को डायरेक्टली रिलीज तो नहीं किया जाता है, या फिर रिलीज कर भी दिया जाता है तो उसकी कंज्यूमर या फार्मर अप्रोच जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके जीन प्रारूप में सुधार किया जाता है, जीनोटाइपिक चेंजेस किए जाते हैं,
ताकि एक नई उच्च किस्म की वैरायटी निकाली जा सके। जैसे वीट की वैरायटी कल्याण सोन और सोनालिका जो है वो मैक्सिकन वीट वैरायटीज सोनोरा 64 और लर्मा रोजो से निकाली गई हैं। क्योंकि भारत में जब लाल गेहूं आयात किया गया या लाल गेहूं को सीधे लगाने के लिए समझाइश दी गई, तो चूँकि लाल गेहूँ उसका जो एंडोस्पर्म लाल होने की वजह से चपाती की क्वालिटी में एक वेरिएशन आ रहा था, लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए वापस उसको यूनिवर्सिटीज भी चेंज करके न्यू वैरायटीज के रूप में इन वैरायटीज को लाया गया। जनरली हम देखते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीबी पंत यूनिवर्सिटी, जिसको हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की जननी मानते हैं, वहाँ से इन वैरायटियों को निकाला गया। उस तरीके से यूटिलाइजेशन में हम देखते हैं तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन को सीधे लगा दिया जाता है, इसमें समय नहीं लगता, इस्टेब्लिशमेंट में हो जाती है। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में कोई नए वैरायटीज हम लाते हैं तो उसको कुछ समय लगता है इंट्रोडक्शन में, कुछ समय बाद वो हम यूज़ कर पाते हैं। उसी तरीके से एग्जॉटिक वैरायटी भी विदेश की किस्में आ रही हैं, उसको सीधे जो है हम कह सकते हैं रिकमेंड कर देते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो मोर और लेस अगर हम देखेंगे तो अडेप्टेशन के बेस पे और यूटिलाइजेशन के बेस पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस मार्जिनल डिफरेंस यहाँ पे हमको समझना होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ और पर्पस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य या उसके पर्पस पादप प्रस्थापन के। पहला है कि हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं एक एंटायर न्यू क्रॉप प्लांट को, हमने जो पहले कभी उपयोग ना किया हो ना कभी देखा हो उसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे मक्का, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, सोयाबीन, गोभी, सरसों, ऑयल पाम, जैसे कि आपको एग्जांपल्स में मैंने पहले बताया है। दूसरा है सर्व एज ए न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। जैसे होता क्या है कि जब हमारी देसी किस्में कम पैदावार देती हैं तो उस समय में हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए अच्छा मटेरियल, तो हम कहीं से मंगाते हैं और हमारी पैदावार बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का दौर आया तो इसकी वजह से ही सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी या सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी जो एरी से आई थी या मैक्सिको से आई थी, उनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी थी। तीसरा है इनको हम सीधे जर्म प्लाज्म या जनन द्रव के रूप में फसल के इम्प्रूवमेंट या उन्नयन के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसे पूसा रूबी टमाटो जो है मिरूटी और सियोक्स का क्रॉस है, इसको यूएसए से लाया गया और ये वर्तमान में टमाटो इम्प्रूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी तरीके से सौरगम, ज्वार, ग्राउंडनट, मूंगफली को भी हम जो इंट्रोड्यूस वैरायटी फॉरेन से आए थी, आगे आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा, उनको भी हम फसल उन्नयन में इम्प्रूवमेंट में उसका उपयोग कर रहे हैं। चौथा बहुत मुख्य है कि हमको जो है अपनी फसल को बीमारियों और कीड़ों से बचाना है। उदाहरण के लिए हीविया जो रबर है ये मलाया से साउथ अमेरिका गया ताकि वहाँ पे लीफ डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस मिल सके। जनरली रबर का जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन है वो मलाया ही है, लेकिन मलाया में जब लीफ डिजीज़ बढ़ने लगी तो उसको बचाने के लिए उसको रबर को साउथ अमेरिका भेजा गया जहाँ पे लीफ डिजीज़ नहीं थी और उसकी जो है कहना चाहिए जनन द्रव्य या प्लास का जो रिसोर्स है वो बच गया। उसी तरीके से एनसीसी सेशंस जो है वो रस्ट रेजिस्टेंस है ग्राउंडनट के लिए, उसी तरीके से डसल राइस की वैरायटी है वो सेलाइन रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से हम इसको उपयोग करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ में हम देखते हैं कि बायोसिस्टमैटिक स्टडी मतलब उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ प्लांट स्पीसीज का, इसी के लिए NIVLO ने जो सबसे पहले सेंटर ऑफ ऑरिजिन कॉन्सेप्ट दिया और होमोलॉगस सीरीज इन वेरिएशन कब स्टडी करके बताया कि किस तरीके से जो है अगर कोई होमोलॉगी है स्पीसीज में तो उनमें वेरिएशन होता ही है, और इसका जो जानकारी है लॉ कहना चाहिए वो बहुत सारे वास्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज टाइप्स को स्टडी करने के बाद में NIVLO ने दिया। तो बेसिकली जो साइंटिफिक स्टडी का कॉन्सेप्ट हम कहेंगे वो NIVLO की देन है कि हमको डिफरेंट प्लांट असेशन से स्पीसीज से इसकी स्टडी समझ में आए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको लिस्ट में बता रहा हूँ जिसमें प्राइमरी इंट्रोडक्शंस हुए हैं, जैसे वीट है भारत में हम की बात करेंगे तो यहाँ पर रिडले वैरायटी आई ऑस्ट्रेलिया से, लर्मा रोजो मैक्सिको से, आयरेट आई फिलीपींस। फ्रूटी मेन वैरायटीज को डिस्कशन करेंगे, सनफ्लावर में आपको देख सकते हैं पेरिडोविक यूएसएसआर से लाई है, और सोयाबीन एक फेमस जो अलसीड क्रॉप है,
ब्रैड ली इम्प्रूव्ड पेलिकन, ये कुछ जो वैरायटीज है वो आई हैं। उसी तरीके से आप टोमेटो, जैसे मैंने बताया था, सियॉक्स लेबोनीटा यूएसए से आई है। पी मटर में आप हरभजन एक वैरायटी है जिसका ईसी नंबर 33866 है, जो कि पुर्तगाल से आई है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस की लिस्ट बता रहा हूँ, जिसपे हम द्वितीयक प्रस्थापन किया गया है। जैसे मुख्यतः आप देख सकते हैं ब्रिंजल में, देखिए पूसा क्रांति, पूसा क्रांति जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है, पूसा पर्पल लॉन्ग से क्रॉस हुआ हैदरपुर का और वाइनेट जियांट। तो यहाँ पे डेफिनेटली वाइनेट जो जियांट है, ये फॉरेन की वैरायटी है, इसका पर्पल लॉन्ग और हैदरपुर से क्रॉस होकर के पूसा क्रांति वैरायटी बनी है। तो इस तरीके से हम किसी इंट्रोड्यूस वैरायटी के साथ हमें किसी दूसरे वैरायटी का क्रॉस करके एक न्यू प्लांट टाइप या न्यू वैरायटी निकलती है। तो उस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, या तो क्रॉसिंग के माध्यम से निकले या वर्ण या सिलेक्शन के माध्यम से निकले, इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप कैरेट में देखिए पूसा यम दग्नी, ये इसी नंबर 9981 का नेंटेस के साथ में क्रॉस हुआ और यहाँ पे पूसा यम दग्नी टाइप की वैरायटी निकाली गई है। तो बेसिकली ये सारी जो इंट्रोडक्शन है वो एजेंसी से हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे आती हैं, क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी, मतलब पादप परिचय या पुरस्थापन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल एजेंसी के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल एजेंसी मतलब विश्व की कौन सी संस्था है जो जो पादप पुरस्थापन का काम करती है। तो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च के तहत सबसे पहले इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि रोम इटली की विश्व की संस्था है, जिसका मुख्य काम जो है पादप प्रस्थापन का कार्य करना है। तो IPGRA का जो मैंडेट है उसके तहत में कंजर्वेशन, संरक्षण और उस जेनेटिक डाइवर्सिटी का, विविधता का उपयोग करना, ताकि हम वर्तमान में कर सकें और फ्यूचर जनरेशन उसका उपयोग कर सकें। इसके 19 वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं और इसके तीन प्रोग्राम्स के तहत कार्य करता है। जैसे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का पहला प्रोग्राम है, दूसरा है CGIAR का जेनेटिक रिसोर्स का सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें मदद करता है, और तीसरा इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन का प्रोग्राम है। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम नेशनल एजेंसीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं पुरस्थापन के लिए। तो एग्रीकल्चर से संबंधित सबसे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको 1976 में फाइनली मान्यता मिली थी, वो है न्यू दिल्ली में है। फॉरेस्ट से संबंधित कार्यों के लिए, जंगल के जो स्पीसीज के लेने के लिए FRI देहरादून है, जो कि 1906 में बनाया गया था, और 1890 में सबसे पुरानी संस्था है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1890 में बनाया गया था। तो ये तीन एजेंसीज हैं जिनका कार्य है भारत में स्पीसीज का न्यूट्रिशन करने के लिए। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं फंक्शंस ऑफ NBPGR, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड रिसोर्सेज के कार्य मुख्य क्या है, क्योंकि हमको उसी से संबंधित जानकारी लेनी है। पहला है इंट्रोडक्शन करना, मेंटेनेंस करना, रखरखाव करना और वितरण करना जर्मप्लाज्म का, मतलब जनन द्रव्यों का। दूसरा है कि इंफॉर्मेशन देता है वो जर्मप्लाज्म के बारे में, और थ्रू रेगुलर पब्लिकेशंस के थ्रू, जो पब्लिकेशंस में तो रिसर्च पेपर, उसके जर्नल्स वगैरह हो गए या उसकी कोई बुकलेट हो रही है, उसके थ्रू आपको रेगुलरली जर्नल देता रहता है कि अभी ये आया, अभी वो आया, और उसके नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कंडक्ट ट्रेनिंग कोर्सेज भी, वो जो है ट्रेनिंग्स भी कराता है कि आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, साइंटिस्ट को कराता है, और इंट्रोडक्शन कैसे करना है और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, और कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी सर्वेज फॉर द कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म। उसका मुख्य कार्य है कि पूरे भारत के अंदर में उसको एक्सप्लोरेशन की छूट मिलती रहती है, कि पूरे भारत में जहाँ भी उसको डाइवर्सिटी की संभावना लगती है, वो अपनी टीम भेजकर वहाँ से जो है स्पीसीज को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है। और इसका एक और बहुत ही लास्ट और मुख्य है कि नेचुरल जीन सेंचुरीज, जो जीन अभ्यारण है, प्राकृतिक जीन अभ्यारणों का चुनाव करना और उसको सेटअप करना। तो सोर्सेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला तो है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का केंद्र, जैसे हम जानते हैं कि प्राथमिक सेंटर होते हैं और सेकेंडरी सेंटर होते हैं, मतलब प्राथमिक विविधता के केंद्र और द्वितीय विविधता के केंद्र। उसी तरीके से जीन बैंक हो सकते हैं, तो जीन बैंक से भी वो करते हैं।
जी, जो बैंक में बहुत सारे बैंक्स होती हैं, जैसे पोलैंड बैंक, सीड बैंक, डीएनए बैंक, मेरिस्टेम बैंक, ये सभी सभी के सभी जीन बैंक्स ही होते हैं। वहाँ से वो ले सकते हैं, जीन सेंचुरीज जीन अभ्यारण्य से ले सकते हैं। जीन अभ्यारण्य मीन्स जैसे कि ऐसे जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जिसको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए डेसिग्नेट किया गया, उसे हम जीन सेंचुरीज कहेंगे। सीड कंपनीज, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में तकरीबन 600 से 700 सीड कंपनीज वर्क कर रही हैं और उनकी अपने सीड प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ से भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फार्मर फील्ड इसका सबसे बेस्ट तो प्रोटीन सोर्स होता है। किसान अपने खेत पे नेचुरली कोई ना कोई लैंड्रेस लगाया है वो रहता है, तो उस लैंड्रेस को हम फार्मर के खेत से नेचुरल कंडीशन में फाइटोजेनेटिक मेथड से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोसीजर के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, आगे डिटेल भी है कि सबसे पहले इसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जर्मप्लाज्म का, जनन द्रव्यों का अधिग्रहण किया जाता है, फिर क्वारंटाइन उसको आइसोलेट किया जाता है, संग्रोध कहते हैं, फिर कैटलॉगिंग जिसको सूचीबद्धन किया जाता है, इसको कौन सी सूची में डाला जाएगा, उसके बाद उसको इवेलुएट किया जाता है कि वो कैसा है, उसका मूल्यांकन होता है, रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और अल्टीमेटली लास्ट में उसका फिर गुणन या डुप्लीकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। तो आगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोक्योरमेंट मतलब अधिप्राप्ति, उसको आधिकारिक रूप से प्राप्त करना, या तो हम गिफ्ट के थ्रू ले सकते हैं या किसी संस्थाओं के माध्यम से ले सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोपिक्यूल्स के माध्यम से ले सकते हैं, या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन एक्सपोर्ट को और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स। तो ये भी ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन भी कार्य जरूरी होता है अगर हमको किसी स्पीसीज को रोकना है जो हमारे लिए डैमेजिंग हो सकती है, हम रेस्ट्रिक्शंस करते हैं एग्जिम लॉ के थ्रू। क्वारंटाइन मतलब संग्रोध। संग्रोध क्या है कि किसी मटेरियल को आइसोलेट करना है या अलग रखना ताकि किसी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उसके लिए कुछ तरीके हैं जैसे धूम्रपान, फ्यूमिगेशन, या तो कुछ दूसरी तरीके हैं जैसे एल्बुमिन सल्फाइड, सल्फोस का हम उपयोग करते हैं बीजों में, तो बीमारियां वगैरह मर जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के तहत क्वारंटाइन को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है और प्लांट प्रोड्यूस को डिफरेंट एजेंसी के द्वारा कैरी किया जाता है। तो क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन के लिए 8 सी पोर्ट बंदरगाह बनाए गए हैं, 7 एयरपोर्ट बनाए गए जिसको हम क्वारंटाइन सेंटर्स बनाएंगे, और एंट्री पॉइंट और लैंड रूट्स के जो है वो 7 रूट्स हैं। ठीक है। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग का मतलब होता है सूचीबद्धन करना, जिसमें कोई भी मटेरियल आया तो ऐसे ही तो उसको कहीं नहीं रख देंगे, सबसे पहले उसको एसेशन नंबर देंगे इंट्रोड्यूस मटेरियल को, उसके बाद उस वैरायटी को या क्रॉप को जो भी कहेंगे उसका नाम क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, कहाँ से प्राप्त हुई है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या है, और उसके अनुकूलन के या उसके दूसरे लक्षण को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सब आपको जर्मिनेट करने के बाद, उगाने के बाद ही क्लियर होंगे। ये सब होने के बाद जब उसकी मॉर्फोलॉजिकल डेटा ले सकते हैं तो हम उसकी कैटलॉगिंग करते हैं जर्मप्लाज्म में और उसको जीन बैंक में पब्लिश करते हैं। इन जो इंट्रोड्यूस मटेरियल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं और उनको प्रीफिक्स दिया जाता है। यदि वो बाहर से आए हैं तो हम कहेंगे एक्जॉटिक कलेक्शन, अगर वो देश के ही हैं तो हम कहेंगे आईसी इंडिजिनस कलेक्शन, अगर वो देश के ही हैं लेकिन वो कल्टिवेबल नहीं है तो हम कहेंगे इसे इंडिजिनस वाइल्ड, देसी जंगली। इवैल्यूएशन अगला स्टेप होता है, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। इसमें हम उसका जो मेनली यील्ड का पोटेंशियल देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट सबस्टेशंस में कैसी है। तो ब्यूरो की जो 5 सबस्टेशंस हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश में, जोधपुर राजस्थान में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, अकोला महाराष्ट्र में, और शिलोंग जो है नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरीके से इन 5 सबस्टेशंस में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से इन जगहों पे स्पेसिफिक कहना चाहिए आपको इवैल्यूएशन होता है। इन केस ऑफ दोज क्रॉप जहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, वैसे मेनली ये सब जो है हम सीरियल क्रॉप्स और रेग्यूम क्रॉप्स और ऑयलसीड क्रॉप्स के लिए ही है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके लिए जो है उनके जो सेंटर्स हैं वो ही इवेल्युएशन का कार्य करते हैं और मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। तो इंट्रोड्यूस मटेरियल जो है इवेल्युएट भी होते हैं और मेंटेन भी होते हैं अंडर इपीफाइटोटिक कंडीशन। इपीफाइटोटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हम आर्टिफिशियल डिजीज या पेस्ट और वी कैन से आर्टिफिशियल बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस वी कैन से क्रिएट करते हैं ताकि हम उसकी स्ट्रेस पोटेंशियल को जान सकें और हम उसमें से रेजिस्टेंस वैरायटी को स्क्रीन आउट कर सकें। देयर आफ्टर
मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट का चरण होता है गुणन और वितरण। यहाँ पे जो प्रॉमिसिंग इंट्रोडक्शन होते हैं या सिलेक्शन होते हैं जो हमको पहले इवेल्यूशन तक में मिले हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको रिलीज करेंगे या तो कमर्शियल वैरायटी के रूप में और नेसेसरी ट्रायल्स के रूप में। जनरली जो मोस्ट इंट्रोडक्शन होते हैं वो करेक्टराइज होते हैं फॉर डिजायरेबल ट्रेट, उसमें अच्छे गुण होते हैं ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें और उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ऐसे मटेरियल्स को हम क्रॉसिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं और जो है वो बहुत ही आसानी से जो ब्रीडर्स को रिक्वेस्ट बेसिस पे सप्लाई किया जा सकता है, ताकि नॉर्थ सिस्टम के तहत पूरे इंडिया में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को छोड़कर भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम को रन कर सके रीजनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो कुछ अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे इंट्रोडक्शन के थ्रू जो आती हैं क्रॉप्स, वो हम उसको कल्टीवेटेड करते हैं एक्सटेंसिवली, बड़े पैमाने पर उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं एज ए न्यू क्रॉप स्पीसीज के रूप में लेने के बाद में उसको हम सीधे रिलीज कर सकते हैं और हम वैराइटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वैराइटीज से और उसको जो है हम हाइब्रिडेशन में हेल्प लेते हैं ताकि कोई न्यू वैराइटी का डेवलपमेंट हम कर सकें। कुछ मैरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैरिट्स मतलब लाभ या एडवांटेजेस है। मुख्यतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यू प्लांट क्रॉप प्लांट आती हैं, हाई यील्डिंग आती हैं, जैसे मेज, पोटैटो, टोमेटो, ग्राउंडनट, पपाया, पाइनएप्पल, क्रिटिकल। अभी हमें लग रहा है कि ये तो है हमारे पास में, लेकिन बेसिकली ये सब वैराइटीज पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत पहले से ये सब इंट्रोड्यूस हुई हैं। ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए आपको पेरेंट प्रोवाइड करती हैं, एनरिच करती हैं आपके एग्जिस्टिंग जर्म प्लांट्स को, जनन द्रव्यों को और वेरिएबिलिटी को बढ़ाती हैं, और साथ में ये इंट्रोडक्शन के साथ में एक्सप्लोजन करते हैं, प्रोटेक्ट करती है वेरिएबिलिटी को और जेनेटिक एरोजन को रोकती है। जेनेटिक एरोजन मतलब अनुवांशिक क्षरण को ये रोकती है। ये बहुत ही क्विक और इकोनॉमिकल मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की और हम आसानी से सुपीरियर वेराइटीज को रिलीज कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम प्लांट स्पीसीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पुराने एग्जाम्पल मैंने हिवियर रबर के बारे में बताया था, उसी तरीके से कॉफी और रबर का एग्जाम्पल है प्रोटेक्शन के लिए भी। कुछ नुकसान भी हैं, हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई अनचाहा खरपतवार आपके पास में बिना बुलाया जाए, जैसे आर्जमन मैक्सिकाना हम जानते हैं गेहूं में, आपके गेहूं में भी होता है और मस्टर्ड में होता है, सत्यानाशी का नाम जानते हैं तो सत्यानाश ही कर देता है पूरा। इक्रोनिया स्पीसीज जो है ये भी सत्यानाश करती है, पानी में होती है। पार्थेनियम जो आपने सुना होगा, गाजर घास जो है आप जानते हैं कि ये जो है मैक्सिकन वीट वैराइटीज के साथ में आ गई थी और उसने पूरे देश में हर जगह इसको फैला दिया है। तो ये एक नुकसान है इंट्रोडक्शन का। कुछ न्यू डिजीज जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है आलू का पछेती अंग मारी, बहुत ही फेमस और बहुत ही डेडली डिजीज है, वो यूरोप से आई है। और बंची टाइप ऑफ जो बनाना एक जो बीमारी है वो श्रीलंका से आई है। उसी तरीके से कुछ नई जो कीड़े मकोड़े आए हैं जैसे पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है ये इटली से आया है। उसी तरीके से ऑर्नामेंटल्स जो है, जो हमको जो ऑर्नामेंटल प्लांट जो है वो कहना चाहिए सुंदर जो पौधे हैं वो भी एक वीड्स के रूप बन जाते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा जो है बहुत ही ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक वीड बन गया है और बहुत ही डेडली वीड है। एक बार कहीं लग जाए, फेंकने से भी लग जाता है, फिर ये निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक नुकसान है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी क्रिएट करते हैं कुछ प्लांट स्पीसीज जैसे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये जो है बहुत डीपर लेयर तक इसकी जड़ें जाती हैं और पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रेट पे करता है, फोटो रेस्पिरेशन बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो है वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है। तो ये इसका एक नुकसान है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन। अनुकूलन वास्तविक रूप से जलवायु अनुकूलन या वायु जलानुकूलन हम इसको संदर्भ में ले सकते हैं कि किसी स्पीसीज का किसी नए स्थान की वायु के साथ और जल के साथ अनुकूलित होना ही अनुकूलन है, कि वो वहाँ से अडेप्ट हो पाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई पौधा किसी नर्सरी से उठा के लाते हैं और अपने घर में नए पॉट में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो पौधा लाते ही जो है तुरंत उसमें डेवलपमेंट होने शुरू नहीं होती है। उसको कुछ समय लगता है, तकरीबन 3 से 4 दिन, उसके बाद उसमें नई पत्तियाँ कोपल निकलती हैं यदि वो अनुकूलित हुआ है तो, अदरवाइज वो वहीं पर डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है
अपने वातावरण में बदलाव को अडैप्ट करता है और मेंटेन करता है कि वो उस नए वातावरण में परफॉर्म कर सके। जैसे एल्टीट्यूड में चेंज होना, ऊंचाई में चले जाना, टेम्परेचर में कम ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम ज़्यादा होना, फोटो पीरियड प्रदीप्ति काल कम ज़्यादा होना या पीएच मान का कम वो नीचे होना, तो इन सब बदलाव की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बदलती रहती है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जब हम लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होते हैं, हाइपोक्सिया में होते हैं, पॉन्टेन्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स जाएं या मैन जाए, तो वहाँ पे जो है आपको सांस फूलने की शिकायत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी ऑलरेडी वहाँ पे इस कैपेसिटी को बढ़ाती है कि हम ब्लड ट्रांसपोर्ट बढ़े ऑक्सीजन से, और उसके लिए हमारी आरबीसीज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और आरबीसी जब बढ़ते हैं तो हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो इन कंडीशन क्रोनिक डिजीज जो इम्फिसीमा होती है वो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स की वजह से होती है, मतलब हाइपोक्सिया होने से इम्फिसीमा होती है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पॉलीसिथीमिया होना जरूरी है, तब जाके कोई व्यक्ति जो है माउंटेनरिंग कर सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन जो है न्यू एनवायरनमेंट में बॉडी की सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप होता है। तो एक्लिमेटाइजेशन इज अ प्रोसेस फॉलो द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटर एडेप्टेड जीनोटाइप्स टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके तरीके से हम कह सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं कि बेटर एडेप्टेड जो जीन प्रूफ है, जीनोटाइप्स है, हम उसको फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हैं किसी एक पॉपुलेशन से या किसी सेमेस्ट्री से, और उसी के माध्यम से हम बेटर जीनोटाइप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्लिमेटाइजेशन एक नेचुरल सिलेक्शन है। कारण क्या है एक्लिमेटाइजेशन का? रीजंस हैं प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जो है, अनुवांशिक जो भिन्नता है उसका जो प्रेजेंस होना जरूरी है किसी भी इंट्रोड्यूस मटेरियल में, आउट ऑफ विच सक्सेसफुल जीनोटाइप्स को हम बढ़ा सकते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेक कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्लिमेटाइजेशन को गवर्न करते हैं, कारक क्या हैं? तो कारक है एग्जिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन, मतलब कितना एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, क्या परिमाप है, जितना ज़्यादा होगा वो एक्लिमेटाइजेशन को बढ़ाएगा, कम होगा तो नहीं बढ़ाएगा। उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसकी जीवन की अवधि कितनी है, वो किस मोड से रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन मोड भी ज़रूरी है, जैसे सेल्फ है कि क्रॉस है। इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस क्या है, हम कौन सी स्ट्रेस इंटेंसिटी दे रहे हैं, कम है ज़्यादा है, वो भी डिपेंड करता है। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब आप देख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब कैपिटल स्मॉल या एलईडी कंडीशन हो, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है जैसे मल्टी लाइन कॉम्पोजिट सिंथेटिक, ये जो है वो मोर एबल टू एक्लिमेटाइज इन अ न्यू कंडीशन एज कम्पेयर टू द प्योर लाइन्स। तो प्योर लाइन क्यों करेगा, क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। तो पॉलिनेशन अगर देखते हैं तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्लिमेटाइज होती है सेल्फ पॉलिनेटेड की अपेक्षा। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन। थैंक यू।